नमस्कार। हम आप सबका अटेंशन चाहेंगे। हम कार्यक्रम की अब शुरुआत कर रहे हैं। ऑडियंस में जो हमारे एक्सपोर्टर्स व्यापारी बंधु जो यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से की तरफ से मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग नाली हिले, सभी जो व्यापारी बंधु और दूर दराज से जो छोटे छोटे एमएसएमई है उनका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आज के जो हमारे प्रमुख स्पीकर्स हैं और जो आपको इस पूरे प्रोग्राम के दौरान तमाम जो स्कीम्स एनएसआईसी की और बैंक्स की फाइनेंस संबंधित है उस पर विचार अपनी जानकारी रखेंगे, आपके जो व्यापार के हित में है और जिसके द्वारा आप अपने व्यापार को फाइनेंस के प्रॉस्पेक्ट से प्लस सरकारी सहायता के प्रॉस्पेक्ट से जो है अपने व्यापार को आप आगे ले जा सकते, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं श्री रवि कुमार जी का बीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आप जो है चीफ जनरल मैनेजर है एनएसआईसी लिमिटेड के, और जहां तक आपके एक्सपीरियंस और तजुर्बे का सवाल है, आपने देश में ही पॉलिसी के निर्माण की बात तो छोड़ दीजिए, आपने विदेशों में भी उस देशों के लिए पॉलिसी निर्माण में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है, और कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज जिनके साथ में हमारा व्यापारिक बहुत मजबूत संबंध रहा है, जहां पर हमारा एक्सपोर्ट जेमेन ज्वेलरी सेक्टर का खास करके काफी बड़ी तादाद में होता है यूएसए यूके, ऐसे देशों में भी आपका प्रतिनिधित्व इस देश को प्राप्त हुआ है। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि वेबिनार हमारा और ऑडियंस में लोग काफी तेजी से जुड़ रहे हैं, तो मैं जो है ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत को समाप्त करूंगा। तो रवि कुमार जी सर, आपका स्वागत। दिनेश चंद्रा जी जो डीजीएम है पंजाब नेशनल बैंक के, सर हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं डीजीपीसी की तरफ से। हमें आशा है कि आपके मार्गदर्शन में जो फाइनेंस की दिक्कतें हमारे व्यापारी बंधुओं को हो रही हैं, उसका सोल्यूशन आप हम इस फोरम के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। श्री कांता राव जी जो जिनके साथ हम सतत रूप से जुड़े रहे और जिनके प्रयासों से हम यहाँ एक दूसरे के साथ में यहाँ कनेक्ट हो पाए हैं, आपके इस लगातार प्रयास और उत्साहपूर्वक समर्थन के लिए हम आपका हार्दिक आभार करते हैं और अपेक्षा रखते हैं भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। और आज जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो महत्वपूर्ण जो और दो व्यक्ति जुड़े हैं जो इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे, मैं अरिंदम दास जी का और एनबी सतीश कुमार गांटी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, मैं रवि कुमार जी से आग्रह करूंगा, सर आप जो है कार्यक्रम का आप संचालन करें और उसके बाद में आप क्रम से एक दूसरे को निमंत्रित करते रहेंगे, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। श्री रवि कुमार जी, थैंक यू सर। थैंक यू मिथिलेश पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। रेस्पेक्टेड श्री मिथिलेश पांडे जी, डायरेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एंड मिस मृणालिनी in charge of MSME support programs of GEMS and Jewelry Export Promotion Council, and respected Shri Dinesh Chandra, DGM Punjab National Bank, and other officials from Punjab National Bank, and my colleagues from NSIC, and my dear participants of the today's program, a very warm good afternoon to all of you. I would like to compliment the Gems and Jewelry Export Promotion Council and my office in Andheri for taking this initiative on organizing this webinar. Basically, it's mainly on the loan schemes and the credit facilitation schemes of NSIC and Punjab National Bank. I think I am right. It's basically on the finance facilitation, if I am right, as per the agenda. So, you are all aware that MSME sector is a backbone of our Indian economy. As per the recent survey and latest and authentic figures, there are supposed to be around 63 million MSMEs in India, which are contributing 8% to the GDP and 40% of exports, 45% of the manufacturing output, and also employing
providing the biggest employment to the workforce of around 120 million in India. Government of India and Ministry of MSME have been doing a great job to help the MSMEs, those who are badly hit by the COVID. Lot of new initiatives have been introduced, like emergency credit line, guarantee scheme up to the 2 lakh crore rupees, and also collateral free loans under CGT MSE, Credit Guarantee Trust for Micro Small Enterprises. Around 3 lakh crores were allocated, and also 20,000 crore as a subordinate debt for the stressed MSMEs. And under this Atmanirbhar Bharat, Self-Reliant India, NSIC has also been given 10,000 crores towards the mother fund. The basic objective of this 10,000 crore giving to NSIC as a mother fund is to ensure the infusion of 50,000 crore as a equity in MSME sector through the daughter funds. NSIC has already floated a SPV called NSIC Venture Capital Fund Limited, and completing all the processes, and is in the process of starting the job at the earliest, identifying the eligible daughter funds, and thereafter ensuring the infusion of 50,000 crore as a equity in eligible MSMEs. Besides, NSIC is actually engaged in credit facilitation to the MSME sector. Our branches located all over India are doing this credit facilitation without charging anything to the MSMEs or the borrowers. We have tied up with many public sector banks, private banks, and other banks, and financial institutions, non-banking financial institutions. We are also having an MOU with Punjab National Bank. Today's program, Punjab National Bank is also going to make their presentation and inform about the various schemes they have for funding MSMEs and their terms and conditions. Similarly, NSIC, my colleague, Mr. Kanta Rao, will be making elaborate presentation on NSIC credit facilitation. Besides NSIC credit facilitation, we are doing from 50,000 to even 50 crores to MSMEs. As I told, we are doing the preliminary scrutiny and taking the applications, which is complete in all respects, to the nearest branch as per the choice of the borrower, or if the choice is given to the NSIC, NSIC will decide who is the nearest banker or the financial institution interested in taking up this proposal. Even though there are so many other schemes of Government of India, like interest subvention, credit linked capital subsidy scheme, and then this CGT MSE. So we are dovetailing all these schemes. Whatever is the eligibility of the borrower, based on that, we will also help them in getting this CLCS or collateral free loan or interest subvention, whichever is the borrower is eligible for. So there is a 25% component of CLCS for the SCST entrepreneurs, 15% for the general entrepreneurs, and 25% for the SCST entrepreneurs. That is called Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme, which is routed through the National SCST Hub of NSIC. So bankers are also not aware, many MSMEs are also not aware about this special CLCS and even other CLCS and the CGT MSE. There are so many schemes of Ministry of MSME. Recently, DC MSME office has come out with a e-book on the schemes of schemes for MSME. So I would urge upon the GEMS and July Export Promotion Council, and also my office and PNB, to create more awareness and to circulate this e-book among all the MSME fraternity. So this credit facilitation we are doing for term loans, project finance, working capital, takeover, and also for startup companies, even under stand-up India companies, for women and SCST entrepreneurs, all kind of proposals we are taking up, and we are ensuring that the speedy sanctions are done by the banks and financial institutions. Besides this, we have a flagship scheme, which is Raw Material Assistance Scheme.
you know, raw material is the main input for any industry, any manufacturing industry. If the raw material is procured at competitive price, they'll be able to supply at competitive price their end product, and also they can have a smooth cash flow. So NSIC has got a flagship credit support under this raw material assistance scheme against the non-fund based limits given by the banks. So we have many MOUs with the manufacturers of the raw materials. So we also ensure that all the MOU discount, aggregation discounts, all are passed to the MSMEs, those who are even buying the small quantity. So this is a very good support when it comes to providing the raw material and credit both to the MSME sector. So with this, I thank Lumsden Jewelry Export Promotion Council for giving me this opportunity to give opening remarks and address the today's participants of this program. I'm sure that this program will be immensely benefiting the participants participating also. I'm sure that the Export Promotion Council will be informing the other members through electronic media or even through recording. I thank once again the organizers for giving me this opportunity, and I wish all the best for all the participants. Thank you very much. Thank you, Ravi Kumar ji. आपके इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निश्चित तौर पे कुछ चीजें आपकी जो बताई हमारे लिए काफी अननोन जैसी है हमारे इंडस्ट्री के लिए, खास करके क्योंकि लोगों को इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, और इस तरह के वेबिनार्स के माध्यम से हम इस पूरी स्कीम की जानकारी निश्चित तौर पे उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं दिनेश चंद्रा जी से आग्रह करूंगा कि सर आप जो है आए और अपने विचार यहाँ पे रखिए। दिनेश चंद्रा जी जो है डिप्टी जीएम है, डिप्टी जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक्स टू द I should say NSIC as well as Gem and Jewelry Export Promotion Council officials who have given this opportunity to us to be with all the exporters or all the manufacturers of gem and jewelry industry across I should say the country, especially the Maharashtra where we are working. Our endeavor is to provide all type of credit support to all the MSME category borrowers, especially at this time, I should say about gem and jewelry exporters. In this regard, my two colleagues are also there who will give the detailed about the schemes. But here, I would like to say something. As Ravi Kumar ji has rightly said, it is the backbone of the economy. Basically, if I say gem and jewelry export from the India is around 50% of the total export which is happening. And in gem and jewelry, if I see the imitation jewelry in that particular segment export, India is the second largest country in the world, and next to the China. So we are looking very very forward toward this particular sector for the any type of credit support they need. And in this regard, bank has changed. The bank has made their change in their total credit appraisal system. So in that matter, we are having three segments. One is each and every branch, they do the credit to MSME up to the level of 10 lakh, and beyond that, there is the PNB loan point who does the credit beyond 10 lakh up to 1 crore. And post 1 crore, up to 50 crore, there is the segment which is called mid corporate center, who do this credit up to 50 crore, and beyond that, it is at the higher level. So why this change has been made at these PNB point and at MCCs, mid corporate centers, we have placed the specialized team who has a expertise in the credit appraisal, so that the delivery can be made effectively and timely. About this Maharashtra in the Mumbai, we are having four circles. In every circle, there is one MCC. Particularly in Mumbai City Circle and Mumbai Western, there are two MCCs, being the largest circle in Mumbai, and other two circles have one MCC each.
And there is one PNB loan point in Mumbai who deals up to 1 crore and beyond 1 crore MCC deals. One of my colleague, Arindam Das, AGM of MCC 1 is there of Mumbai City, and his credit processing appraisal officer is also there, Mr. Satish Kumar. They will give a detailed presentation on all the schemes, about all these, what type of credits we used to provide. Here I will like to say, in that particular segment, credit, we four type of credits. Either it is a project funding, or it is a working capital requirement, either fund-based or non-fund-based. Both we used to cater the demand, whatever is there, of any of the MSME borrower, especially gem and jewelry borrower. We have two very good, very good made designed schemes. One is called PNB Udyog, another is PNB Sampati. These are the most suited schemes for these borrowers. As Ravi Kumarji has also rightly said, during this COVID period, a number of liberalized credit facilities are given to MSME segment. Whatever he has mentioned, beyond that, we also did the liberalized working capital analysis, where we gave a higher working capital, we met the higher working capital requirement as the funds of MSE segment were blocked and the realizations were not forthcoming. So that liberalized working capital is also available. And more than that, we are also given the facility of converting the non-fund-based facility into the fund-based facility if DP is available, so that they can have a higher amount of working capital available from the bank. So that type of facility we have also covered. And in addition to this, we have also given the moratorium for term loan repayment. So that moratorium is also available. And on the working capital facility, we have deferred the interest portion. So that deferment of interest portion was also given during this COVID period. And we are at present focusing to fund the clusters, wherever the clusters of MSMEs, like imitation jewelry or jewelers or manufacturers or any other industry. So those we are closely monitoring, we are closely focusing, and we are ready even to move towards their associations, where we can meet to all these exporters or manufacturers, and we can meet their requirement, whatever requirement they have. They can directly contact to the branch, they can directly contact to the MCC head or their team, or they can directly contact to the PLP points, where we are meeting their requirement. Also, we are moving to the field, and we are meeting all such type of borrowers through their associations, through NSIC, and like this Gem and Jewelry Export Promotion Council officials. These are our endeavor. And in addition to this, we are also having one well designed team at the journal level. That team is, we used to say, CPC, Corporate Customers Acquisition Centers, CSEs, that is also headed by a AGM. They are also moving in the market, and any type of help, wherever these exporters or the manufacturers need from us, we are ready. And at present, we want to be a partner with all these manufacturers, so that they can contribute to the socio-economic development of this country. So in the last, I would like to thank to the organizers who have given this very good opportunity to be with these all exporters. And we will be the happiest person if we can contribute in their any of the credit requirement wherever they need. And they can contact directly to the circle office, to me also. My contact number is also available. You can, anyone can note it down. My contact number is 95. Yeah, 95.
9666227272. Whenever there is any problem, I am accessible to anybody. He can contact me directly for resolving any of the issue he has. Thank you. Thank you very much. थैंक यू दिनेश जी, हम आपके इस संबोधन के लिए और जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, निश्चित तौर पे ट्रेड के पास में इस तरह की जानकारी अवेलेबल नहीं है। हम चाहेंगे कि बैंक के लेवल पे भी और अभी वेबिनार के बाद में हमारी टीम हम आपसे संपर्क में आएंगे और इस चीज कैसे और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है और हम उसपे काफी चैलेंजेस फेस कर रही है हमारी इंडस्ट्री। और बैंकर्स के सपोर्ट अगर इस लाइन पे बेटर ढंग से आप जैसे लीडिंग बैंकर्स के द्वारा अगर इस तरह के सपोर्ट्स मिलेंगे और जिस तरह से आपने पब्लिक डोमेन में अपने नंबर शेयर किए, इस तरह का कोऑपरेशन मिलेगा तो सडनली हमारी इंडस्ट्री को एक बड़ी मदद होगी। अभी रिसेंटली ही हमने कुछ बैंकों के साथ में एमओयू साइन किया है जहां पर डेडिकेटेड एक सेल तैयार करके और हमारे एक्सपोर्टर्स मेंबर्स को फाइनेंस और इस तरह की चीजों के लिए अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं। तो हम इस लाइन पे भी आपसे चर्चा करेंगे और संभव हुआ तो नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सो मच। आई विल ओके सर। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर आपसे, चंद्रा सर से, कि आपने जो भी अभी स्कीम की जो भी डिटेल्स बताई, अगर आपके पास कोई सॉफ्ट ई बुक जैसा कुछ हो, जैसे एनएसआईसी के रवि कुमार सर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटा सा ऐसे ई बुक जैसा कोई पैम्पलेट ऐसा हो, सॉफ्ट कॉपी, ताकि हम अपने मेंबर्स में वो सर्कुलेट करें और उनको आपके जो स्कीम्स है उनकी जानकारी पहुंचाए। And the concerned person's contact number. Definitely, madam. Arindan Das will provide you all these soft copies. And moreover, in on the PNB's website, all schemes are available. Okay, sir. You can click on the PNB's website; it is available. Sir, आप इस ठीक हम definitely उस PNB की website के लिए refer करेंगे, लेकिन मैं अपनी industry के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। हमारी इंडस्ट्री के लोगों के हाथ में अगर मेल से और बाकी व्हाट्सएप और इस तरह के चैनल से अगर पहुंचती है इंफॉर्मेशन तो ज्यादा क्विक रिस्पांस उनकी तरफ से भी होता है, ज्यादा उनको फ्रेंडली लगता है, क्योंकि जो हमारा की डिसीजन मेकर्स है वो मोस्टली इस चैनल से जुड़ा हुआ है। उनके जो स्टाफ है निश्चित तौर पर वेबसाइट और इस सब चीजों को देखते हैं, लेकिन कितना उनकी अप्रोच हो पाती है उसकी फीडबैक मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो हमारा रिक्वेस्ट जो अभी आपको आई है हमारे कलीग्स के साथ में, तो चाहेंगे अगर पॉसिबल होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपकी वेबसाइट के बारे में और आपके कॉन्टैक्ट्स को के माध्यम से उन तक ये मैसेज आपका कम्युनिकेट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, अरिंदर दास विल प्रोवाइड यू द ऑल द सॉफ्ट कॉपीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट मिस्टर कांताराव टू शेयर ई-बुक व्हाट आई हैव सेंट यू टू द जेम्सन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर प्रमोशन काउंसिल, एंड आल्सो यू ऐड देम इन द चैंपियंस ग्रुप so that okay. whatever information you are passing on na it will reach yeah. their members also. Okay sir, I'll do that. Okay, I will do that. Thank you sir. Thank you sir. बहुत बड़ा help होगा अगर वो champion portal से हम connected रहेंगे और information साथ ही रहेंगी, तो आपका ये जो directives है वो हमारे लिए काफी लाभप्रद होगा और हम आपसे expect कर रहे थे कि इस level से चीजें आएंगी, तो निश्चित तौर पे हम और स्पीडी मैनर में इसको अपने मेंबर्स तक पहुंचा पाएंगे और हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो फुलफिल होगा। थैंक यू सर। कांताराव जी से आग्रह करूंगा सर आप आए, अब मेन सेशन जो प्रेजेंटेशंस का है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं ऑडियंस में जो लोग हैं उनसे सर आप सब ध्यान से माइक्रोफोन समझे और आपके लाभ के लिए जहाँ भी कोई डाउट आपको हो तो कार्यक्रम के लास्ट में जो Q&A का सेशन होगा उसमें अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। सर आप प्लीज स्टार्ट करें। ओके, नमस्ते सभी को और जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सभी मेंबर्स। एक्चुअली मिथिलेश पांडे जी का और मृणाली मैडम का बहुत आभार है कि आपको जब हम मिले थे एंड वी स्टार्टेड दिस कम्युनिकेशन, आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और वी रियली वांटेड टू टच ऑल योर 7000 मेंबर्स थ्रू दिस। आपने ये भी बताया था कि NSIC की तरफ से हमारे डायरेक्टर प्लानिंग श्री उदय कुमार जी ने भी सितंबर में ये इवेंट किया था जहां पर वो आके NSIC के बारे में काफी कुछ बताया था। तो वही बात को आगे बढ़ाते हुए
हम भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो बातें की हैं उसको नहीं टच करते हुए वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द प्रोडक्ट्स व्हाट वी आर द एजेंडा के तौर पे आज बैंक फिनेंस के तौर पे हम उसी को आगे लेकर बढ़ेंगे जो कि एक हमारा भी वो एक स्कीम है. सो कमिंग फॉरवर्ड टू दैट, लेकिन साथ ही में इतना भी बताना जरूरी होगा मेरे लिए कि ये एक ही प्रोडक्ट नहीं है हमारा, बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी जानकारी थोड़ा ब्रीफ में मैं दूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट एंड फोकसिंग मोर ऑन द बैंक लोन. तो चलते हैं डायरेक्टली, आई विल गो टू द प्रेजेंटेशन. या सर विजिबल है, मैं डायरेक्टली आप ये तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के जो कैटेगरीज अभी रिवाइज हुए हैं ये तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, फिर भी एक बार टच करना चाहता हूँ. जैसे माइक्रो स्मॉल और मीडियम के हिसाब से देखा जाए तो कन्वर्जन अभी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर का कंसेप्ट चेंज हो गया है जो कि मैंने एक स्लाइड रखा था. तो ये एक्चुअली डिटेल देता है कि सभी लोग मैक्सिमम एमएसएमई में ही आएंगे अभी, जो कि आपने बताया था जेम एंड ज्वेलरी के लोग माइक्रो में और स्मॉल में ही आते हैं. तो कमिंग फॉरवर्ड टू द स्कीम, या तो मैं ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि एनएसआईसी को मैंने एक चार कैटेगरी में डिवाइड किया है विच विल गिव ए कंप्लीट पिक्चर अबाउट व्हाट एनएसआईसी डज. एक है जो मार्केटिंग एक्टिविटी है, हमारे बहुत से मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोग एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम्स डिजाइन किए हैं. ये एक्चुअली स्टार्टिंग ऐसा होता है कि जो इंसान एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसको वहां से उठाकर, वहां से हैंड होल्ड करते हुए बिजनेस बनने के बाद और उसको उसके बाद भी और फ्लरिश होने के लिए जो सामान लगते व्हाटएवर रिक्वायर्ड डिटेल्स लगते हैं वो सब एनएसआईसी प्रोवाइड करता है. इसी हिसाब से जैसे हमने बताया कि रॉ मटेरियल एक है जो हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं क्लाइंट्स को, वहां से लेकर इवन फंडिंग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है. जहां पर क्रेडिट के अगर देखें आप, सेकंड क्रेडिट पैरामीटर है, हम लोग यहाँ पे क्रेडिट भी देते हैं फॉर प्रोक्योरिंग ऑफ योर रॉ मटेरियल्स. इसके साथ साथ जैसे अभी आज हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाइप जुड़े हुए हैं फॉर क्रेडिट फैसिलिटेशन, कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द क्रेडिट फैसिलिटेशन. हम लोग ये भी है कि जो इंसान हमारे पास आता है एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करने के वक्त वो हमारे पास आके बैंक लोन के लिए अर्जी देता है, तब से लेकर हम उनको मोटिवेट करके उनको जो बाकी के चीजें हैं सब ड्यू डिलीजेंस करने के बाद उनका फाइल DPR बनाता है, बनाने से लेकर उसका पूरा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद हम लोग ये फाइल्स हम लोग बैंक को सबमिट करते हैं. तो ये वाला पैरामीटर बहुत मायने रखता है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लोग जुड़ते हैं. एक है जो कि शुरुआत करना चाहता है, उसको बैंक लोन चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी उनके पास एग्जिस्टिंग लिमिट्स है, बिजनेस है, और वो उसको उनको और ज्यादा लिमिट्स की जरूरत होती है. तो ऐसे वक्त पर हम लोग ये जो फाइल्स बनाने के बाद वी सबमिट टू द बैंक्स. और जैसे हमारे सीजीएम साहब ने भी बताया, ये स्कीम में हमारे पास बहुत से बैंक्स के साथ हम लोग एमओयू साइन किया हुआ है और उसके बेस पे उनका जो एरिया है उसके हिसाब से हम वो फाइल्स को मूव करते हैं और वही बैंक को देते हैं जो उनके विजिबिलिटी या विसिनिटी में होते हैं. तो इससे दायरा ये होता है कि इवन बैंक्स कम फॉरवर्ड टू लुक इन टू द प्रोफाइल ऑफ द बैंक ऑफ द यूनिट. उसके बाद ड्यू डिलीजेंस उनका जो प्रोसेस होता है वो करने के बाद देन मे बी द यू नो द यूनिट गेट्स द बेनिफिट्स फ्रॉम द बैंक्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहां पर क्रेडिट के लिए बहुत से एमएसएमई यूनिट आते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि सम बैंक्स मे रिजेक्ट फॉर सम रीजंस. तो उसके वजह से भी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये जो रिजेक्शन वाले भी फाइल्स होते हैं, देर आर सम अदर बैंक्स लाइक यू नो सम प्राइवेट बैंक्स आर ऑल्सो देयर. सो हम ये वाला वो प्राइवेट बैंक्स को देते हैं या सम एनबीएफसीज भी हैं हु आर लुकिंग फॉर सच टाइप ऑफ यू नो डीपीआर.
तो सर्टन टाइम्स यू नो दे डू एक्सेप्ट सच फाइल्स, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा ही रहता है। ऐसा नहीं कि कहां पर एक जगह रिजेक्ट हो गया कोई बैंक में तो उनको कहीं से नहीं मिलता है, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली कुछ ऑप्शनल रहता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है बैंक इसमें भी, तो वो बेस पे अभी मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि उनको भी वहां से ये फैसिलिटी मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर जिसको बैंक से लोन की जरूरत होती है वो। तो कमिंग बैक टू द स्कीम, लाइक उसके साथ साथ हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, जो अभी जेम एंड ज्वेलरी वाले लोग के लिए, बिकॉज हम लोग भी ये देख रहे हैं कि जेम एंड ज्वेलरी वाले लोग के लिए हम एनएसआईसी के द्वारा और क्या बेनिफिट दे सकते हैं। उसमें और एक स्कीम है जो मार्केटिंग में आता है, वो है ई मार्केटिंग बी टू बी पोर्टल करके है। ये हमारा एक एमएसएमई ग्लोबल पोर्टल है जहां पर आप जो भी एमएसएमई है, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला है जिसको प्रमोट करना है उसके प्रोडक्ट को इंटरनेशनली, बिकॉज ये सिर्फ नेशनल लेवल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल भी उसका मार्केटिंग कर सकता है, तो ई हैज टू पे सम बेयर मिनिमम चार्जेस फॉर दिस। और उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनका जो सामग्री है, जो भी वॉट एवर आइटम्स ही इज मैन्युफैक्चरिंग ही कैन सेल। इवन जेम एंड ज्वेलरी वाले लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। मेरे ख्याल से आप लोग में से सभी लोग, मैक्सिमम लोग जुड़ जाना चाहिए इस पे, बिकॉज इसमें आप लोग को मार्केटिंग का बेनिफिट मिलता है, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल लेवल का भी मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ ट्रेडिंग भी होता है, जैसे कि आपको इवन यू विल कम टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द अब्रॉड यू नो क्लाइंट्स, कस्टमर्स अब्रॉड के भी आपको जुड़ जाते हैं इसमें। तो ये एक पोर्टल बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो कि जेम एंड ज्वेलरी के लिए लागू हो सकता है। इसके साथ साथ उसके नीचे एक एग्जीबिशन एंड टेक्नोलॉजी फेयर करके लिखा हुआ है। इसमें भी क्या है कि अगर इंटरनेशनल फेयर, जैसे मुझे पता है कि जेम एंड ज्वेलरी स्पेशली इमिटेटिंग ज्वेलरी वाले काफी लोग हैं जो हमारे साथ काफी बार जुड़े हुए भी हैं। इवन एक बार यू नो वी हैव गॉन टू इथियोपिया एंड साउथ अफ्रीका, साथ में वी हैव टेकन सम डेलीगेशन हु आर इनटू दिस इमिटेटिंग ज्वेलरी एक्टिविटी। तो बिलीव मी बहुत सक्सेसफुल रहा वहां पर। तो ऐसे एग्जीबिशंस को भी हम प्रमोट करते हैं, वहां पर उनको सब्सिडीज दिया जाता है। एक तो है स्टॉल चार्जेस सब्सिडाइज रेट्स में मिलता है, उसके साथ साथ 1% का टू एंड फ्रो फेयर भी जो है वो भी सब्सिडाइज रेट्स में मिलता है। इवन द फ्रेट चार्जेस ले जाने के लिए, जो सामान ले जा रहे हैं आप जो एग्जीबिट करना चाहते हैं उसके लिए भी थोड़ा सब्सिडाइज रेट्स है एज फार एज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस आर कंसर्न। और नेशनल एग्जीबिशंस के लिए आपको स्टॉल चार्जेस पे सब्सिडीज मिलता है। तो दिस इज मोर वेयर यू नो यूर पीपल एज फार एज जेम एंड ज्वेलरी, बिकॉज एज ए सेड अगेन जेम एंड ज्वेलरी रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो एनएसआईसी का फोकस जो है मैक्सिमम जो है मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड रहा है। और आपको स्कीम्स में भी पता चलेगा, जैसे रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया, फिर रजिस्ट्रेशन, जैसे गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि जेम एंड ज्वेलरी का कोई भी मैक्सिमम मेरे ख्याल से बहुत ही कम होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा जो आप गवर्नमेंट को कुछ सप्लाई करते हो। फिर टेंडर मार्केटिंग उसी का एक पार्ट है जो कि अपने लिए लागू नहीं होता, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे बैंक के साथ हम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं अभी, इस पर आप जुड़ सकते हैं। देन पोर्टल जो है एमएसएमई ग्लोबल मार्ट का पोर्टल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। एग्जीबिशंस और टेक्नोलॉजी फेयर्स हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं। और दो खास बात है जो जहां पर आप इसमें भी जुड़ सकते हैं, एक है ट्रेनिंग स्किल, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा हूं मैं थर्ड पार्ट, इसमें ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट करके है। अभी आप में भी बहुत कारीगरी होते हैं, मुझे पता है कि बहुत ही लोग हैं जो अनस्किल को स्किल बनाते हैं आप, और ये अनऑर्गेनाइज में भी आते हैं, काफी लोग बाहर बनाते रहते हैं, तो इनको भी एक प्रॉपर प्रोफेशनली ट्रेनिंग में लाना चाहते हैं। तो इसमें भी अगर आपकी तरफ से जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से अगर पहल आती है कि नहीं हम भी एनएसआईसी के द्वारा जुड़ना चाहते हैं और हमारा भी ट्रेनिंग के लिए आप कुछ करें, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वी कैन ऑल्सो कम टूगेदर, और आपके लिए भी हम ट्रेनिंग के लिए कुछ वी कैन थिंक अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग, क्योंकि अभी तक ये हमने नहीं किया, लेकिन बाकी हमारे जो एक्टिविटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड के हैं, बाकी के सर्विस जैसे वो स्किल्स के लिए हम लोग ट्रेनिंग बहुत देते हैं और वो होता रहता है ऑल अक्रॉस इंडिया। लेकिन एज फार एज जेम एंड ज्वेलरी का जो किस्सा है, अगर इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसको स्किल डेवलपमेंट में आपको हमारी तरफ से भी लोगों को स्किल डेवलपमेंट करके आपको देना आपकी तरफ से बढ़वा कर सकते हैं, तो वी कैन, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम, वी कैन एलोबरेट ऑन दिस, थिंक अबाउट इट और कर सकते हैं। उसी के साथ साथ
सेकेंड पैरामीटर है, एक है लेबोरेटरी फॉर मटेरियल टेस्टिंग, ये भी बहुत मायने रखता है, विच आई थिंक यू नो वी कैन एलोबरेट। जैसे आप में भी डायमंड्स हो या कोई भी यू नो वेरी एक्यूरेसी मैटर करता है, तो कुछ तो टेस्टिंग मशीनरीज होते होंगे जो बहुत ही कॉस्टली होता होगा, तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन यू नो एक लेबोरेटरी भी बना सकते हैं जो NSIC कैन यू नो कम फॉरवर्ड एंड गिव ए लेबोरेटरी टू यू। तो ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर एक साथ जुड़कर कर सकते हैं, बट इट कैन हैपन ओनली व्हेन एज एन एसोसिएशन यू कम फॉरवर्ड। इंडिविजुअल आएंगे तो शायद ये नहीं बन पाएगा, बट एज ए एसोसिएशन अगर आप आते हैं टेक्नोलॉजी का, अगर साथ में मिलके कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए भी आप जिक्र कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो वी कैन थिंक अबाउट मेकिंग ए लेबोरेटरी फॉर यू नो फॉर जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑल्सो। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हम जुड़ सकते हैं एज NSIC, वी कैन एनी टाइम लिंक टू जेम एंड ज्वेलरी, जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं हम करना चाहेंगे आपके साथ। साथ में थर्ड पैरामीटर एक है सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट थ्रू लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर बेरोजगार से रोजगार का ये कंसेप्ट है। इसमें जो बेरोजगार है, तो पहले मैंने जैसे आप लोगों ने भी सुना, जैसे हमारे उदय कुमार जी ने बताया था, डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, उन्होंने भी इस पे बहुत एम्फेसाइज किया था लास्ट टाइम। उन्होंने कहा था कि आपके जो कारीगर हैं उनको अब रोजगार मिलने के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए, अगर उनके लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, अगर आपके जैसे डाइज होते हैं, डाई बनाना होता है, तो उसके लिए भी आप सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इसमें ला सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और इसमें बहुत से अनएम्प्लॉयड लोगों को भी आप रोजगार दे सकते हैं। और जैसे मुझे पता है कि आपका भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एज ए होल जेम एंड ज्वेलरी का, बहुत ही बड़ा प्रमोशनल काउंसिल में बहुत मेंबर्स हैं और बहुत लोगों को आप लाइवलीहुड देते भी हैं, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये वाला भी कंसेप्ट बहुत काम आएगा आपके। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मेरे ख्याल से बहुत और आपका एक्सपांशन और यू नो स्केल ऑफ रेवेन्यूज भी बहुत बढ़ जाएगा आपका, तो मेरे ख्याल से। और उसके साथ साथ एक और एक है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, जो मैं मिस कर रहा था। यहां पर क्या है कि हमारे पास जैसे दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कलकत्ता में है, भुवनेश्वर में हमारे बहुत से EMBPs हैं, एग्जीबिशन कम यू नो बिजनेस पार्क्स हैं, जहां पर जिसको अगर दे वांट टू हैव द प्लेस फॉर देमसेल्व्स अंडर दिस बिल्डिंग्स, दे आर मोस्ट वेलकम। उनको हमारे तरफ से यू नो इनिशिएटिव है कि अगर उनको कोई स्पेस चाहिए रहेगा तो वी दे कैन कभी भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सो वी कैन ऑलवेज प्रोवाइड इन द स्पेस ऑल्सो। सो दिस इज एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट विच वी कैन एक्सटेंड टू जेम एंड ज्वेलरी मेंबर्स। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक ये है कि वी ऑल्सो हैव लिंक्स विद अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे हमने ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे इंटरनेशनल अफ्रीकन कंट्रीज में सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमने रैपिड इंक्यूबेशन सेंटर्स वहां पर लागू किए हैं, टेक्नोलॉजी दिया है, तो अफ्रीकन कंट्रीज आर डूइंग वेरी गुड। ये अपना एज ए यू नो इंडियन एंड अफ्रीकन फ्रेंडशिप के तौर पर ही आता है, जहां पर बहुत सा कोऑपरेशन इन द सेंस दैट यू नो वी आर गिविंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू देम, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वी आर गिविंग द ट्रेनिंग फॉर देम। सो दिस आर ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच वी आर डूइंग एज ए ओवरऑल NSIC। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट आप आगे का जो फॉरम होगा, काइंडली लुक इन टू इट। बैंक टाइप का बहुत अच्छा स्कीम है, सभी को बैंक से लोन चाहिए करके हमें पता है, सो काइंडली गो अबाउट इट एंड थिंक। अगर जिसको भी रिक्वायरमेंट रहेगा दे कैन एनी टाइम कॉल अस ऑल्सो, वी कैन डेफिनेटली गो फॉरवर्ड विद दिस। फ्रॉम हियर आई थैंक एवरीवन फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कांताराव जी। निश्चित तौर पे कुछ चीजें जो आपके प्रेजेंटेशन में थी यूनिक थी, इसके पहले इसकी जानकारी हमें नहीं थी, और उस पे हम निश्चित तौर पे आपसे संपर्क में आएंगे। जो लैब से रिलेटेड आपने बताया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बातें आपने बताई, ये दोनों हमारे लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए काफी कोर चीजें हैं। तो हम इस वेबिनार के बाद में नेक्स्ट वीक में इसके लिए आपसे संपर्क करेंगे और इसमें हम थोड़ा और डिटेल्स लेकर के हमने मेंबर्स की इस बात को पहुंचाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से जो अरिंदम दास और सतीश गांधी जी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि आप आए और जो हमारा थर्स्ट एरिया है जिसके लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बैंक फाइनेंस, उस पे आप विस्तार से
बैंक की जो पॉलिसी आपके हैं और किस तरह से हमारे व्यापारी बंधु से बेनिफिटेड हो सकते हैं उस पे आप प्रकाश डालें। सर प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन लेकर के आए। मुझे लगता है कि अरिंदम दास जी और सतीश जी इस वक्त डिस्कनेक्ट हुए हैं। क्या वो फिर से कनेक्ट हो पाएंगे? आप अगर जो लिंक आपके पास में है आप मेरी आवाज अगर आप सुन पाए तो आप निश्चित तौर पे दोबारा प्रयास करें जिससे कि आप कनेक्ट हो सके। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी कारण से जो बैंक्स के दोनों प्रतिनिधि हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम उनसे फोन पे बात कर रहे हैं कनेक्ट होने के लिए। तो कृपया आप थोड़ा सा धीरज रखिए। नहीं नहीं आप एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो गए हो क्या? आपको पैनलिस्ट की तरह ज्वाइन होना है। तो पहले आपने ज्वाइन किए थे ना जीमेल पे जो जी 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 बिकॉज़ आपको वैसे ज्वाइन करना है पैनलिस्ट की तरह। सर तभी तक अगर हमारे कोई क्वेश्चंस है तो हम ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कोई क्वेश्चंस है तो थोड़ा 30 सेकंड एक मिनट का जो टाइम है हमारे पास में तो उस दौरान जो है आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इस जो ऑडियंस में लोग हैं उनको बता दूं कि सर का जो मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप कर रहे हैं हम प्रेजेंटेशन के बाद में हम आपको शेयर करेंगे। हम कलेक्ट कर रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम ले लेते हैं हम आपको शेयर कर देंगे। और ई बुक की बात आपने पूछी है तो हमने भी सर से रिक्वेस्ट किया हुआ है। ई बुक का सॉफ्ट कॉपी हमारे पास में जैसे ही आ जाता है तो आप सब जो यहाँ ज्वाइन हुए हैं हम सभी लोगों को ग्रुप्स के माध्यम से प्लस ईमेल के माध्यम से ई बुक की कॉपीज और जो इनके ब्रोचर्स हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इनका कॉन्टेक्ट नंबर्स भी जिससे आप सही व्यक्ति से सही समय पे अप्रोच कर सके और अपनी आवश्यकताओं की अपनी जरूरत की पूर्ति आप करवा सके। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे रखें। ऑडियंस में बैठे हुए जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनसे आग्रह मैं करूंगा कि अधिकतर लोगों के नंबर हमारे पास में हैं लेकिन अगर आप किसी ग्रुप से डीजेपीसी के एसोसिएटेड नहीं है तो कृपया आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप लिख दीजिए जिससे कि हम आपको अपने ग्रुप से जोड़ के रखें और जो इन्फॉर्मेशन है तो जब हम यहाँ से भेजें तो आप तक पहुँच सके। नहीं 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 आप एज अ ये ज्वाइन हुए पार्टिसिपेंट नहीं नहीं आपको फिर लेख आपको निकाल के उसमें से पैनलिस्ट बनाना होगा। एक मिनट पैनलिस्ट की आईडी मैंने सबमिट कर दी है। कुछ तकनीकी वजह से जो प्रेजेंट करने वाले पंजाब नेशनल बैंक के जो अधिकारी हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं। मैं ऑडियंस रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज आप पेशेंस बनाए रखें। हमारा प्रयास होगा कि आपके लिए जो व्यवस्था की गई हो वो आप तक पहुंचे। आपके अगर कोई और भी प्रश्न है तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं क्योंकि सारे वरिष्ठ अधिकारी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं उनकी सहायता से हम आप तक जो भी जानकारी होगी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है आपका प्रश्न हमने नोट किया हुआ है कि गोल्ड लोन की स्कीम्स और डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत क्या आवश्यकताएं पड़ती है उसके बारे में जो जानकारी आपने पूछी है हम अभी जैसे ही इनके प्रतिनिधि ज्वाइन हो जाते हैं बैंक्स के उनके सामने भी प्रश्न रखेंगे और इमीडिएट इसका सलूशन दे सकते हैं या आगे आके उनको सलूशन देना है तो निश्चित तौर पर हम सलूशन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के मोबाइल नंबर हमें अभी प्राप्त हो रहे हैं मैं कार्यक्रम के बाद में आप सबको ग्रुप से निश्चित तौर पर जोड़ दूंगा। हमें थोड़ी और भी सहायता हो जाती
अगर आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं तो अपनी कंपनी का नाम भी लिखें तो आपके हमारे लिए भी थोड़ा और लाभप्रद होगा। तो नहीं नहीं आएगा नहीं, क्योंकि आप एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुआ है आपने, तो आपको वहां से या तो हमको पुल करना है, यहाँ पे आईटी पर्सन को मुझे बुलाया है क्योंकि आपको ज्वाइन करना था पैनलिस्ट के लिए। हाँ वो वाला पहले वाला जो है ना, पहले वाला सर फर्स्ट सतीश करके दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ दूसरे अरिंदम करके है, नीचे है क्या अरिंद? आपको तो कर दिया है हमने एज अ पैनलिस्ट। अरिंदम दास करके ज्वाइन किया है उन्होंने, कैसे ज्वाइन किया है? नहीं नहीं नाम किस नाम से ज्वाइन किया है उन्होंने? पीएनबी करके उन्होंने यू कैन कर। हाँ पीएनबी यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके नो प्रॉब्लम, हम कर देंगे। अभी हमारा ऑडियो आ रहा है मैडम? जी जी गुड आफ्टरनून, दिस इज अरुण दास, एजीएम पंजाब नेशनल बैंक। थैंक यू एनएसआईसी, द ऑफिशियल्स ऑफ एनएसआईसी एंड द ऑफिशियल्स ऑफ डीजीपीएससी फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस फोरम। पंजाब नेशनल बैंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन आवर कंट्री एंड वी आर आवर थ्रस्ट एरिया ऑफ लेंडिंग इज एमएसएमई। इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सीनेरियो एमएसएमई आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। So, Punjab National Bank, there are various products by which we are supporting the prospective MSME customers in various industries as well as in sectors. And out of those sectors, gems and jewelry is one of the pivotal role who contribute more than 8% of our GDP. Pertaining to our loan products, we are providing attractive rate of finance to various customers based on the risk profile. Actually, there are three types of risk which the bank as a whole assess while granting finance to any of the prospective customers. One is our credit risk, second is compliance risk, and third is operational risk. Once we are confident in these type of risks, there is no hesitation in providing finance to any of the eligible customers. Punjab National Bank caters to the manufacturing activity as well as to the trading activity in gems and jewelry sector. We have one designated scheme which is known as MSME Udyog, which is precisely catered to the MSME sector, MSME manufacturing sector. And another scheme is PNB Vyapar, which caters to the trading activity of the MSME sector. Also, we have a unique product, which is a collateral based MSME product, which is known as Sampatti. One thing we assure, once the bank get confident about the credentials of the borrower, we will take least time to sanction as well as disburse the loan. Our documentation formalities are very standardized and much more less. They do not take much time for compliance also. As on date, we are also approaching various
sectors for cluster financing. And in Mumbai, we are also interested in cluster financing of imitation jewelry. The customers who are having their existing credit or having their existing business without any credit profile or that, we are very eager to start a relationship with them and start a cluster-based financing. As on date, there are various export credit facilities which is also extended to the eligible customers of our Punjab National Bank. They are post-shipment credit, pre-shipment credit, and as per the guidelines and Reserve Bank directions, we are stipulating minimum margin for this export credit finances. The requirement of collateral is also bear-to-bear minimum. And one thing we want to address in this forum, that being the second largest public sector bank, we have the responsibility to cater to the sector which provides more than 8% contribution to our Indian economy. Now we request my colleague, Mr. Satish, to speak about the schemes which I had briefly discussed regarding the MSME sector, as well as which are applicable to gems and jewelry sector too. Mr. Satish. Thank you, Dasji. Very good afternoon to all NSIC officials, GJEPC officials, and all other participants in the webinar. मैं ज्यादा अभी जो पहले जो पॉइंट डिस्कस जो किए हैं उसको ज्यादा ना कवर करते हुए जो अपना टाइम फ्रेम में खत्म करने का कोशिश करता हूँ. जैसा अभी जो मेजर जो एमएसएमई का डेफिनेशन जो रिवाइज हुआ है, जैसा तांताराव जी ने बताया, उसमें काफी सारे मेजर यूनिट सब अभी एमएसएमई का क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं. और उसमें जो मेजर थिंग ये है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर को हटा दिया, तो अपना जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी के जितने भी यूनिट्स, इवन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी अभी एमएसएमई में फॉल हो रहे हैं. एमएसएमई में फॉल होने का जो मेजर एडवांटेज है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट या फ्यूचर में जो भी आने वाला है, वो सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. इवन जो कोविड के टाइम मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज में भी जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसके और रूप में जो भी आरबीआई गवर्नमेंट और जो बैंक दिए हैं, अभी हम सब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दिए हैं, जैसा पीसीपीएस पीरियड बढ़ाना है, जैसा जीईसीएल मॉरिटोरियम पीरियड या बुक डेट पीरियड बढ़ाना है, वो सब हम भी एक्सटेंड किए थे. और जैसा मेजर जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो मेजर जो वर्कफोर्स का जो है, मेजॉरिटी वर्कफोर्स इसमें भी एम्प्लॉयड है, उनके लिए भी जो इंडिविजुअल जैसा उनका सैलरीज कहीं डिले हुआ होगा, उनके भी रिटेल फ्रंट में भी जो बैंक कर सकती है वो सब की है. अभी इसमें हमारे स्कीम्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ. जैसा जनरल पीसी पैकिंग क्रेडिट प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट का जो भी स्कीम्स है, जो आरबीआई गवर्नमेंट डायरेक्टेड है उसके अंदर है. अभी इसमें हमारा मेजर जो है कि इंटरेस्ट रेट आपको जैसा पीसीएफसी फॉरेन करेंसी में लेंगे अबाउट 4%, अंडर 4%, और पीसी इंडियन रुपीस में लेंगे तो अंडर 8% है. दैट डिपेंड्स ऑन कैश टू कैश बेसिस, वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं. आपको बायर्स क्रेडिट भी हम अभी एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रू पीएनबी हांगकांग और दुबई, जिसमें स्पेसिफिकली जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अप टू 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट वो फैसिलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं. और जैसा सर ने जो कहा है, उद्योग सेवा व्यापार संपत्ति स्कीम्स जो है, उसमें जो मेजर जो है जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए उद्योग करके है, जिसमें नीड बेस्ड फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं, जो नॉर्मल फाइनेंशियल अप्राइज करते हुए वर्किंग कैपिटल लिमिट स्टॉक और बुक डेट्स पे जो कुछ मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग या शॉप गोडाउन इंडस्ट्री शेड परचेस करना है तो उसमें टर्म लोन भी एक्सटेंड करते हैं. 7 ईयर से लेकर 10 ईयर्स रिपेमेंट पीरियड है उसमें. सीसी नॉर्मल स्टॉक एंड बुक डेट्स के अगेंस्ट 25% मार्जिन करते हुए हम वो कर रहे हैं नीड बेस्ड फाइनेंस. और कैश टू कैश बेसिस में भी कोलेट्रल का अपन डिस्क्रिशनरी पावर है तो अपन यूज करके वो कर सकते हैं. और एमएसएमई में मैं ये कोट करना चाहता हूँ कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वन ऑफ द बेस्ट अमंग इंडस्ट्री है. इवन जो हाउसिंग लोन रेट्स आजकल चल रहा है उसके आसपास है, जो जैसा क्रेडेंशियल और रेटिंग के ऊपर. सो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी वी आर वेरी मच कंपेटेबल. और आपको जो मेजर जो इसमें काफी, जैसा आप कोई भी यूनिट जाएंगे अभी जो मेजर जो छोटा एमएसएमई को जहाँ दिक्कत होती है,
कहीं टर्नओवर में फाइनेंशियल में कोई बोलेंगे कि करंट रेशियो है, नेट डेट इक्विटी, ये आपका कैपिटल कम है, ये सब जो इश्यूज आते हैं इसको जो अगर ओवरकम करते हुए अपन एक जो कोलेट्रल बेस्ड स्कीम है जो संपत्ति स्कीम बोल के, इसमें ये सब रेशियो हम नहीं देखेंगे, यही यूनिट जीएसटी रजिस्टर्ड होना है, इनका टर्नओवर इतने होनी चाहिए। अब इसमें जो बेसिक है कि बाकी ज्यादा नहीं देखते हुए सिर्फ 20% ऑफ टर्नओवर और प्रॉफिट मेकिंग है, ये दो क्राइटेरिया है, और कोलेट्रल का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 60% हम फाइनेंस करेंगे, और कमर्शियल है तो 50% हम फाइनेंस करेंगे, बाकी फाइनेंशियल ज्यादा ना देखते हुए ओनली ऑन टर्नओवर बेसिस, टर्नओवर का 20% लिमिट हो जाएगी, प्रॉफिट होना चाहिए और कोलेट्रल बेस है। इसमें सिर्फ यही रीपेमेंट कैपेसिटी जितना आपका कैश प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स 1.25 से लेकर वो होना है, बस यही क्राइटेरिया है, बाकी फाइनेंस अगर जो बाकी जो एस्टैब्लिश्ड है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये उनके लिए तो बाकी जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स है वो सब हमें एक्सटेंड कर ही रहे। और एक गवर्नमेंट का भी एक निर्विक करके जो हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है अभी ECGC के थ्रू स्कीम आने वाला है, उसमें बैंक को भी यही कम्फर्ट है कि ये सेक्टर में जैसा पहले 60% का ही कवरेज था अभी 90% तक कवरेज का होने का है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अदरवाइज भी अभी एज ए पीरियड कम हुआ तो हमारा भी यही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम्फर्टेबल है, और मैं हमारे टीम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा टर्न अराउंड टाइम जो मिनिमम रहेगा जितना जल्दी हो सकता है हम कोशिश करेंगे। हम जो बैठते हैं मुंबई सिटी सर्किल है और एज ए होल मुंबई में 6 MCC है, हमारा है फोर्थ से लेकर दादर तक, बाकी जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होगा हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मतलब जो उनका एरिया विसिनिटी है उसमें भी हम उनको मतलब लीड दिलवा सर्विस दे पाएंगे। सो मैं हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी थ्रू चार्ट शेयर करता हूँ हम दोनों का, और जो भी है तो आई वंस अगेन थैंक GGIEPC ऑफिशियल्स, NSIC ऑफिशियल्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वेबिनार, थैंक यू। थैंक यू सो मच सतीश जी, अभिनंदन जी, आपके प्रेजेंटेशन के लिए मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप अब हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बैंक्स के ऑफिसर्स इस वक्त अवेलेबल है और आपके प्रश्नों का वो यहाँ पे समाधान देंगे। गोल्ड लोन स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन है, मैं पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनसे इस प्रश्न को रखना चाहूंगा कि गोल्ड लोन के स्कीम्स एंड रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स अगर शेयर करें तो बहुत मदद होगी, ऐसा रिक्वेस्ट आया है। तो गोल्ड लोन से संबंधित अगर आपका कोई ब्रोचर्स या कोई आपका राइटअप या कोई लिटरेचर है तो प्लीज हमसे शेयर करें, जिससे हम लोगों को आप वहां शेयर कर दें, और अगर कोई ऐसा माध्यम हो कि अगर इसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर्कुलेट कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे हैं जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, तो मैं उन तक इस चीज को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपको अलग से हम मेल कर देंगे जो आप सर्कुलेट। दूसरा, गोल्ड ड्रॉबैक पॉलिसी इज वेरी कंफ्यूजिंग, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी गोल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक टिल डेट, तो इस पे अगर आपके पॉलिसी से संबंधित कोई व्यक्ति हो जो अपनी जानकारी दे सके तो हम, क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक्स जो है उनको जो मेंबर्स जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो उस पे आप कुछ स्लाइड थ्रो कर सकते हैं। जनरल जो ड्यूटी ड्रॉबैक है मतलब केस टू केस बेसिस में अगर कहीं इश्यू है तो अदरवाइज जो गवर्नमेंट के थ्रू जो मिल रहा है फिर उसको हम पास ऑन करते हैं, मतलब अदरवाइज कोई स्पेसिफिक इश्यू होगा तो फिर वो केस टू केस बेसिस में देखना पड़ेगा। अदरवाइज वैसा इश्यू मतलब पेंडिंग है सच एज ए होल नहीं है, केस टू केस बेसिस में कोई इश्यू होगा तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा अगर इस तरह का कोई इश्यू आपका पंजाब नेशनल बैंक के साथ में पेंडिंग हो तो आप जो है उस इश्यूज को जो ऑफिसर्स के नंबर आपसे शेयर कर रहे हैं आप उनसे वन टू वन बेसिस पे ले सकते हैं, और काउंसिल मेंबर्स उन्हें अगर किसी तरह का हेल्प की जरूरत हो और कोई कस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ से आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप BJPC से संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है, डू वी रिक्वायर कोलेट्रल फॉर PCFC फॉर गोल्ड एक्सपोर्टर्स? बैंक से हमारा एक क्वेश्चन है, डू वी रिक्वायर कोलेट्रल फॉर PCFC फॉर गोल्ड एक्सपोर्टर्स? PCFC जो है ये
तीन साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद हम लोग स्टिपुलेशन डालते हैं कि इसमें कोलैटरल का जरूरत है या जरूरत नहीं है. तो अंटिल एंड अनलेस वी गो थ्रू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ऐसे कोई मतलब नियम नहीं है कि ब्लैंकेट की मुझे 10% लेना है या 20% लेना है ये बात. तो हमारा तीन साल का उनका ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देखने के बाद वी कैन टेक ए कॉल कि कोलैटरल हम लोग कितना लेना है या नहीं लेना है. सर आप दीपक जी से मेरा आग्रह है कि अगर जो आपका यहाँ पे जो आपने प्रश्न पूछा है तो आप लिखित रूप से काउंसिल को रिप्रेजेंट करें. काउंसिल जो है इस मुद्दे को आपको अप्रोप्रिएट फोरम पे ले जाएगी. तो आप प्लीज अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो ed@djpcindia.com पे भेज सकते हैं या ho@djpcindia.com पे भेज सकते हैं. किसी भी दो ईमेल आईडी पे आप अपना रिप्रेजेंटेशन भेजें, हम निश्चित तौर पे उस रिप्रेजेंटेशन को अप्रोप्रिएट फोरम में लेके जाएंगे. सर आपके प्रश्न एग्जैक्टली हमें पता नहीं है तो दिल्ली में किस चीज के लिए आपको कांटेक्ट चाहिए वो हम नहीं बता पाएंगे. आप बैंक ऑफिसर की बात कर रहे हैं या NSIC ऑफिसर्स की, उनके वेबसाइट्स पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है. अगर बैंक्स का है तो बैंक्स की डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है. NSIC का है तो NSIC के ऑफिसर्स की भी डिटेल्स इस वक्त अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर. फिर भी आपको अगर ट्रेस करने में कोई दिक्कत है तो आप हमें भी लिख सकते हैं या मुंबई NSIC से. सर आप एक प्रश्न है इस PNB से कि दिल्ली में आप फाइनेंस रिलेटेड चीजों के लिए किससे कांटेक्ट करें. अगर आप यहाँ पे रेडीमेड जवाब दे सके तो अच्छा है या जो आप हमें जो मेल शेयर करेंगे उसमें डिटेल्स दे दें तो वो भी हम हमारे मेंबर्स तक पहुंचा देंगे. डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ द लोन बैंक सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नियम है सर. तो जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है जैसे MCCs, जैसे हमारे सर्कुलेट सर ने बताया कि MCCs, PLPs, जोनल ऑफिस जो है तो MCCs अपना पावर में 10 करोड़ तक लोन सैंक्शन कर सकते हैं और 10 करोड़ का ऊपर अगर फाइनेंस का जरूरत है तो उनके लिए जोनल ऑफिस रिस्पेक्टिव जहाँ पे कस्टमर का जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वो जो नियरेस्ट जो जोन का अंडर में आते हैं वो जोनल ऑफिस में जा सकते हैं अगर वो 10 करोड़ का वो ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी. लेकिन उनको जो 161 MCCs है पैन इंडिया बेसिस में उनका लोकेशन आपको हम लोग मेल में शेयर कर देंगे तो कस्टमर का जहाँ नियरेस्ट MCCs होगा वहाँ पे उनका प्रपोजल जमा करना पड़ेगा. वो दिल्ली में भी ऐसे ही 6 MCCs हैं, वो 6 MCC में नियरेस्ट जो MCCs होंगे दिल्ली में वहाँ पे वो अप्रोच करने से उनका लोन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्टेड होगा. ओके सर थैंक यू सो मच. एक प्रश्न और आया था अगर 1 करोड़ का लोन लेना है फॉर स्टार्टिंग और बिजनेस तो उसका प्लीज एक एग्जांपल देके प्रोसीजर समझा दीजिए. तो फाइनेंस के रिलेटेड सर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो लोन से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो मैं जो आपको नंबर शेयर करूंगा तो 1-to-1 बात कर ले क्योंकि वो काफी बड़ा प्रोसीजर जो बैंक के होंगे रिक्वायरमेंट जो होगी वो काफी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि समझाना पॉसिबल होगा. तो आप 1-to-1 बेसिस पे आप संपर्क कर सकते हैं. सर जो बॉम्बे का कॉन्टेक्ट डिटेल्स है हम आपको शेयर कर देंगे. आपका नंबर हमारे पास में आपने इस ग्रुप में डाल दिया है निश्चित तौर पर आपको शेयर करेंगे. डॉक्टर जैन जी हमने आपके रिक्वेस्ट को नोट कर लिया है. सर इसमें NSIC से प्रश्न पूछा गया है. वी आर मैन्युफैक्चरर बट आवर प्लांट इज नॉट इन MSME एरिया, कैन वी गेट द MSME बेनिफिट्स? यस एनी टाइम. ऐसा डिमार्केशन कोई नहीं है, डेफिनेटली दे कैन अवेल द बेनिफिट्स. ओके सर थैंक यू. ऑडियंस से जो भी प्रश्न आए थे हमने आपके समक्ष रखे और कोई और भी उनके प्रश्न आएंगे तो निश्चित तौर पे हम भविष्य में शेयर करेंगे. और मैं कांता राव जी से रिक्वेस्ट करूंगा
हमारे जो वरिष्ठ यहाँ पे अधिकारी रवि कुमार जी और दिनेश चंद्रा जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम पूरा हमारा पूर्ण होने की तरफ बढ़ रहा है। सर की मैं दोबारा इस तरह के वेबिनार्स के लिए आपसे अप्रोच करेंगे, जिसमें और भी इंफॉर्मेशन हो, अधिक से अधिक हमारे मेंबर्स तक पहुंचा सके हम इस इंफॉर्मेशन को, जिससे आपकी स्कीम्स और हमारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट दोनों फुलफिल हो सके। इसी के साथ हम अब कार्यक्रम को जो है अब पूर्णावधि की तरफ ले जा रहे हैं। मैं मेरी कलीग से कहूंगा कि उनकी कुछ अगर रिक्वेस्ट है तो आपके सामने रखें, जिससे कि ऑडियंस उसका भी बेनिफिट्स ले सके। जैसे कि ऑडियंस के लिए है, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो स्टाफ है, सेक्रेटरेट है, वो आप लोगों को कॉल करेंगे इस रिगार्डिंग, हमारी कॉल सेंटर टीम कॉल करेगी रिगार्डिंग लोन फैसिलिटीज, लोन अवेलमेंट, एंड हम कोशिश करेंगे कि वन टू वन वर्कशॉप्स भी हम अरेंज करें आप लोगों के लिए। जैसे ये सारे ऑफिसर्स जो जिन्होंने इतना टाइम निकाल के आए हैं, वो आपके साथ डिस्कस, वन ऑन वन डिस्कस कर सके और आपको लोन अवेल कर सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो हमारे जब कॉल सेंटर या फिर हम कॉल करें तो प्लीज उसको थोड़ा सीरियसली लें, और अगर कोई सर्वे फॉर्म हमारी तरफ से कोई आता है, आपकी जो दिक्कतें हैं, जब ऐसे वेबिनार्स आते हैं तभी आप लोग ना इनिशिएट करें क्वेश्चंस। आप जब हमारा सर्वे फॉर्म आता है तो प्लीज उसको फिलअप करके हमको शेयर करें, ताकि हम आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपरली एड्रेस करें। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द सर्स, पीएनबी से भी सर दिनेश चंद्रा जी और द एंटायर टीम, एंड एनएसआईसी से रवि कुमार सर, कांताराव सर एंड द एंटायर टीम, यू गाइस आर रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और सबको बहुत ही हेल्पफुल रहा ये। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल इवेंट। थैंक यू चंद्रा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अरिंदम साहब एंड सतीश जी।